Welcome to Binam Vlogs. Today we're going to try the most expensive restaurant of Islamabad. Aur ab zara price padhe iski. 12,099 rupees. 12,099 rupees. Kaisa hoga khana inka? Mere khayal se inka decor hai mere khayal se bahut acha hai. Iski shakal pe kya opinion hai aapke? इसकी शक्ल पे ये ओपिनियन है कि ये इधर नहीं आना चाहिए, इसको ढाबे पे लेके मेरे चैनल पे अल्हम्दुलिल्लाह से 1,00,000 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, व्हिच इज अ बिग अचीवमेंट। मैं 1,00,000 सब्सक्राइबर्स का स्पेशल व्लॉग बहुत जल्द बनाने वाला हूं। पिछले व्लॉग में मैंने कोशिश की कि हम शान को प्रैंक करें, उसकी मर्सिडीज को हमने चोरी कर लिया। शानी को जोड़े हो असल में? हां कसम खाओ नहीं है गाड़ी में। कैसे आ रहे यार? मतलब कैसे आ रहे हो? क्रीम करवा के आ रहे हो जी बंदे? यार मैंने क्या कहा था शानी को, अपने माँ-बाप से ज्यादा गाड़ी से प्यार है। ये बहुत ज्यादा हो गया है। जब वो आए तो ब्लॉग बंद कर दी। बता बंदा गाड़ी कौन लेकर जाता है यार? कौन सा यार ब्लॉग क्या मतलब ब्लॉग बनाना था ये? हर गाड़ी को ऊपर से तुम हंस रहे हो यार, ये कोई मजाक नहीं होता, अल्लाह की कसम। लेकिन मुझे क्या पता था वो उल्टा मेरे साथ ही कबला कर रहा है। अहमद भाई, हमेशा आप हमारे साथ नहीं प्रैंक कर सकते इस बार आपके साथ। आले 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 क्या मतलब कैसे आ रहे हो? क्रीम करवा के आ रहे हो जी आले 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 का बदला तो मैं फुल अपने तरीके से उतारूंगा, लेकिन अभी आप लोग आज का व्लॉग एंजॉय करें। तो आज ना हम लोग आपको सेक्सीएस्ट मैन ऑफ इस्लामाबाद से मिलवाने वाले हैं। ये देखिए गाइस, माशाल्लाह शान के फैन मूवमेंट्स हो रहे हैं। शान कैसा लग रहा है आपको? मुझे अच्छा तो लग रहा है, लेकिन इस पिक्चर में बिल्कुल ही अच्छा लग रहा है। मजाक नहीं कर रहा, अल्लाह की कसम ना कर। उठो यार, कपड़े पहने हुए तुमने? जीन्स में पहने हुए। तू जीन्स में सो गया? लाइटर दूं? लाइटर मैं कभी आया तो हादी के घर पे सही है। मुझे खुद समझ नहीं आ रही है क्या हो रहा है। ठीक है, आई हैव नो आइडिया। मैंने अभी अभी आंखें खोली हैं और ये भाई जमीन पे हैं, वो भाई कोक पी रहे हैं। ये मुझे पतला सो गया। 3, 2, 1 यार बात सुनो, मेरी क्या गलती है भाई? भाई भाई भाई, ओह माय गॉड भाई, गए, अल्लाह माफ करे। हम तो डर गए। आदित, तू उनको डरा। बल्कि नहीं, मजाक करो, मैं साथ बैठा हुआ हूँ। बल्कि एयरबैग चलते हैं गाड़ी में। आई रिग्रेट माई डिसीजन। ओह माय गॉड, ओ हुआ ये कि हादी गाड़ी चला रहा था, शायान ने कुर्सी आगे कर दी। भाई भाई पते एयरबैग्स कहाँ से खुलते हैं पहले मुझे समझा दो ना। लोग सड़क पे गालियां दे रहे हैं कि हमें हरकत। जेनुइन आज मरने के मूड में तो नहीं हो? अरमान बात सुन, इसने मैं घर भी ड्रॉप करने। वैसे मजाक करें यार तेरे साथ, मजाक करें यार, मजाक कर रहे थे। आई लव यू यार।
देखो असल में ना हम लोग तुझसे इतना प्यार करते हैं, हम लोगों को दिखाना चाहते हैं। अच्छा तो अभी हम लोग आ गए फूको, फूको में भाई मैं और शान जा रहे हैं आज, और ये बहुत एक्सपेंसिव होने वाला है, तो आप लोगों ने जाके वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करना है। 1,00,000 सब्सक्राइबर्स भाई के अभी हिट हुए हैं, और ये 1,00,000 सब्सक्राइबर्स के ऊपर भी ट्रीट नहीं दे, इनको ट्रीट चाहिए द मोस्ट एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट ऑफ इस्लामाबाद पे। आप लोग खुद सोचें भाई का क्या होगा। हाजी भाई या ब्रो जरा ये पढ़ें, वैग्यू स्टेक विद कुलुरिगंस, कुलुरिगंस सही है। रब जरा प्राइस पढ़ें इसकी, 12,099 रुपये, 12,099 रुपये। वो शिनवारी ढाबा किधर है? बाहर जाओ, बाहर गया, गाड़ी के नीचे आ जाओ, गाड़ी के नीचे आ जाओ, वहाँ से फिर अस्पताल का खाना मिलेगा, कम से कम सस्ता पड़ेगा, फ्री पड़ेगा। ओके सो वन ऑफ द डिशेज हैज़ वाइन इन इट, तो अब हम लोग को ये कन्फ्यूजन होगी कि क्या चीज़ हलाल है और क्या चीज़ हराम है। तो पता है मेरे माशाल्लाह से 1,00,000 सब्सक्राइबर हुए हैं, तो शामिर भाई मुझे कंग्रेचुलेट करने चाह रहे हैं आज माशाल्लाह। बाकी पहली बात क्योंकि हमारे 50,000 सब्सक्राइबर्स हो गए, आपके 50,000 सब्सक्राइबर्स होते हैं सबसे अजीब बात ये होती है कि लोग कह रहे थे इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आप 100,000 हो, मतलब बंदा अब यार अपने ख्वाब बड़े रखो, लाख का सोचो। सर बहुत खुशी हुई मुझे, खुश है बहुत बहुत ज़्यादा, जेन्युइन जेन्युइन यकीन से अमीर ने जुगत नहीं कराई यार, पहली दफा जेन्युइन रिएक्शन दिया। तो आप क्या कहते हैं मतलब कैसा होगा खाना इनका यहाँ? मेरे ख्याल से जैसे इनका डिकोर है मेरे ख्याल से बहुत अच्छा होगा। अच्छा लेकिन एक बात बताएं इसकी शक्ल पे क्या ओपिनियन है आपके? इसकी शक्ल पे ये ओपिनियन है कि ये इधर नहीं आना चाहिए, इसको ढाबे पे लेके जाना चाहिए। इसका ये ओपिनियन है बल्कि छोड़ो यार। अच्छा तो यार मसला ये था, मेरा बहुत दिल था कि मैं बर्गर मंगवाऊँ इनका, लेकिन ये 3 बर्गर इन्होंने ऑर्डर करा दिए। मैंने सफल ये है ना, अब कमेंट आएगी कौन से बर्गर भाई। मैंने अपने लिए डक मंगवा लिए विद पता नहीं क्या था पास्ता, मैंने क्या मंगवाया अपने लिए स्पिनिच पास्ता मंगवाया विद डक, और मैंने अपनी जिंदगी में कभी डक नहीं खाई, ठीक है अब मैं आप लोगों के लिए खा रहा हूँ स्पिनिच फेटुचिनी। लिख कर देता हूँ ये तो बहुत फारिग लग रहा है। पता नहीं क्या है, इसको मैं ट्राई करता हूं। तो मैं तो कहता हूं ना करूं ट्राई। ये पता नहीं क्या है कसम से, पास्ता होगा ना ये लोग पास्ता के ऊपर स्पिनिच डाल देंगे। ये तो पूरा पास्ता ही स्पिनिच का बना हुआ है। एंड हो गया दोस्त, और ऑर्डर कर डक साले। भाई तुझे किसने फ्री कराया है? तुझे किसने फ्री कराया? शमीर ने ट्राई कर, मजे का था, मतलब एवरेज बर्गर से बेहतर है बहुत। दानिल आप क्या कहते हो कैसा बर्गर है? मजे जानवर कितना कह रहे हैं, वो देखो आदम मुंह से बाहर निकल रहा है। वो क्या कहा था? क्या मैंने आपको कहा नहीं था कि बर्गर्स मंगवाओ? आप लोगों को बता दूं भाई होना एक अल्लाह की नेमत है माशाल्लाह, दानियाल ने स्पिनच खा ली और अपना बर्गर मुझे दे दिया है। कैसा है अल्लाह माफ करे, बस खा बर्गर वापस दो, बर्गर वापस दो।